एक खुदा किसी को ऐसी खुदाई न दे जिसे अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, यदि मुझे स्वर्ग में बुलाया जाए तो मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां पे मसीहा दिखाई न दे। जो लोगों की सेवा करते मसीहा से कम नहीं होते, हमारे प्रमोद जी भी मसीहा से कम नहीं है। मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां पे मसीहा दिखाई न दे, कलम में ऐसी स्याही न दे जो सजा तो लिखे और रिहाई न दे। ऐसे आईने का टूट जाना ही अच्छा है जिसमें भला या बुरा दिखाई न दे। आज पूज्य पिताजी श्री स्वर्गीय फतेहचंद जी बीच, जिनका देहांत 30 मई 2002 को हुआ था, और हमारे बड़े भ्राता सबसे बड़े भाई थे मेरे धुरंदरनाथ बीच जी, उनका देहांत 22 मई को हुआ था, तो उनकी याद में आज हम जनसेवा दल के अंदर आए हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज पानीपत में जनसेवा दल सिविल अस्पताल पानीपत की ओर से स्वर्गीय श्री फतेह चंद वीज जी की पुण्यतिथि पर व स्वर्गीय कैलाश गरोवर जी की पुण्यतिथि पर राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, साथ ही आए हुए लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। देख सकते हैं कि महान संत मंच पर मौजूद हैं, साथ ही बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा शहरी विधायक प्रमोद विज के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी कार्यक्रम में मौजूद है। इस कार्यक्रम की जहां एक तरफ शहरी विधायक प्रमोद विज ने सराहना की और आभार व्यक्त किया, वहीं उन्होंने बताया कि जनसेवा दल की तरफ से अपना आशियाना चलाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही 200 बेड का एक वृद्धाश्रम भी पानीपत में बनाया जाएगा जिसमें बुजुर्ग लोगों की सेवा की जाएगी। सबसे पहले आप कार्यक्रम की तस्वीरें देख सकते हैं कि महान संत मौजूद हैं और बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले विधायक प्रमोद विज की सुनते हैं कि आखिरकार उन्होंने इस मौके पर पहुंचकर क्या कुछ कहा। आज पूज्य पिताजी श्री स्वर्गीय फतेहचंद जी बीच, जिनका देहांत 30 मई 2002 को हुआ था, और हमारे बड़े भ्राता सबसे बड़े भाई थे मेरे धुरंदरनाथ बीच जी, उनका देहांत 22 मई को हुआ था, तो उनकी याद में आज हम जनसेवा दल के अंदर आए हुए हैं। और जनसेवा दल आपकी जानी पहचानी संस्था है, जो पानीपत में समाज सेवा के अंदर अग्रणी है, चाहे वो बूढ़ों का ख्याल रखना, माताओं बहनों को विधवाओं को राशन देना, या आई डोनेशन के कैंप करते हैं, मेडिसिन देते हैं। उन्होंने सारा जीवन गुलाटी जी ने, मनचंदा जी ने, उससे पहले कैलाश जी, राजू जी ने, सब ने अपना पूरा जीवन दे रखे संस्था के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। और पूजनीय पिताजी भी संस्था से जुड़े रहे, ध्यान तक वो जुड़े रहे, दिन रात उन्होंने संस्था की चिंता की, उसी नाते हमारे संस्था में आना लगा रहता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ जनसेवा दल के सभी सदस्यों का, जो गांधी जी के साथ मनचंदा जी कदम से कदम मिलाकर समाज की सेवा कर रहे हैं। पिताजी की याद में यहाँ जाना हुआ है, तो आगे भी आते रहेंगे। मैंने तो अपने बच्चों को भी कहा है कि संस्था से जुड़े रहें, ताकि जो भी सेवा भाव वो कर सके। मेरे साथ आज हमारे यहाँ के पार्षद भाई अशोक नारंग जी, आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, प्रीतम गुज्जर जी आए हुए जो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं, और साथ में दीनू भाई आए हुए हैं, किशोर भाई है, रॉकी भाई है, सोनी जी आए हुए हैं, भारत आया हुआ है, सभी साथीगण यहाँ पर आए हुए हैं, प्रवीण है, साथ में मनीष आया हुआ है, विनीत है, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर समय कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ हर आयोजन में जरूर आते हैं, और आगे भी हम ऐसा सेवा भाव इस संस्था के साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सरकार ने इसकी DPR बना दी हुई है और टेंडर की प्रक्रिया इसकी आएगी, लेकिन अभी आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद ही उसकी कार्रवाई शुरू होगी। जनसेवा दल जो है आदर्श नगर, अगर आपका जाना हो तो आप देखिए, कुछ बुजुर्गों के ने रखा हुआ है, लेकिन इनके साधन सीमित हैं, डॉक्टर वहाँ ये नहीं रख सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये होगा कि एक 200 बेड का वृद्धाश्रम उसका नाम है, और उसको यहाँ पानीपत को दिया जाए, ताकि वहाँ पे हमारे बुजुर्ग जिनका कोई नहीं है, और साथ में केयर टेकर भी हो, डॉक्टर्स भी हो, डिस्पेंसरी हो, ऐसी एक योजना सरकार ने अप्रूव कर दी हुई है, लेकिन आचार संहिता के बाद ही उससे काम शुरू किया जाएगा। नहीं, जिम्मेवारी सरकार की होगी, लेकिन सहयोगी इसमें जनसेवा दल होगा, क्योंकि अजमाए हुए लोग हैं जो दिन रात समाज की सेवा कर रहे हैं और बड़े मन से सेवा करते हैं। निर्णय बाद में होगा, लेकिन संस्था जरूर जोड़ी जाएगी उसके साथ। वहीं जनसेवा दल से जुड़े चमन गुलाटी ने बताया कि किस तरह से आज क्या पूरा कार्यक्रम किया गया। जनसेवा दल जो पिछले 42 वर्षों से ये समाज की सेवा कर रहा है, और आज 260 लोगों को
राशन वितरण किया जाएगा। आज हमारे श्री फतेहचंद जी वेद जी की बरसी पर और श्री कैलाश ग्रोवर जी की बरसी पर ये आज श्री प्रमोद वेद जी की तरफ से राशन वितरण का कार्य है। मैं पूरे शहरवासियों का पुनः धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि वो जन सेवा दल का हमेशा सहयोग करता है। जन सेवा दल ने एक अपना शाना बनाया हुआ है जो बहुत छोटी जगह है, सीमित जगह है, 250 गज की जगह है जिसमें आज 40-42 लोग रह रहे हैं। तो हमारे श्री प्रमोद वीर जी ने कहा कि 200 बुजुर्गों का आश्रम जल्द ही हम जन सेवा दल को सौंपेंगे जो जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा जन सेवा दल ये सेवा कर पाएगा। तो आज जन सेवा दल की तरफ से ये पूरा कार्यक्रम किया गया जिसमें 260 लोगों को राशन वितरण किया गया, साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया था। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।